नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाही में 21 अप्रैल नर्सरी से कक्षा 2 तक के विद्यार्थियों ने रेड डे और भगवान परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य प्रधानाचार्य डॉ. दिवाकर राय, प्रबंधक राजेश राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय, अकादमी प्रमुख श्रीमती सपना राय की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में नर्सरी के छात्र छात्राओं अमरीशा, अधिक, गार्गी, हर्षिता, आराध्या ने आइडेंटिफाई रेड ऑब्जेक्ट बिट्स अकाउंटिंग गेम में प्रतिभाग किया। वहीं दूसरी ओर एलकेजी के बच्चों ने सलाद मेकिंग तथा यूकेजी के बच्चों ने रेड सैंडविच मेकिंग गेम में बढ़ चढ़ कर भाग दिया। कार्यक्रम में जूनियर समन्वयक असीम घोसाल ने भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर उनके विषय में बच्चों को बताया एवं परशुराम के जीवन मूल्यों को बच्चों द्वारा आत्मसात करने को बच्चों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में बच्चों ने अनार, सेब, चेरी, टमाटर पर कविताएं प्रस्तुत की तथा ग्लोबल वार्मिंग के चलते रेड डे के महत्व पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में अवनी, काव्या, आशी, गौरिका, अभिनव, स्वास्थ्य, रिद्धिमा, दक्ष एवं उनके साथियों ने मोहे रंग दो लाल, लाल देह लाली लसे जैसे गीत पर नृत्य कर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम का समापन अर्चना रायजादा ने धन्यवाद ज्ञापन देकर किया। रेड डे सेलिब्रेशन किया गया। रेड डे सेलिब्रेशन करने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से सूरज जब उदय होता है तो उसकी महिमा लाल रंग की होती है, उस लाल रंग की गरिमा को हम संबोधित करते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं और गर्मी के समय में हम बच्चों को यह बताते हैं कि आप वाटरमेलन, तरबूज ऐसे फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपके बॉडी में वाटर लेवल कम ना हो, बॉडी में किसी भी प्रकार के मिनरल्स की कमी न हो। और आज हमने पूर्व संध्या पर भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर उनका भी अभिनंदन किया है।